उकमा की हृदय स्थली बाजार चौक के रहवासी क्षेत्र एवं महाप्रजा बौद्ध बिहार के पास की अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने के लिए और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे अनेक मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन भी दिया गया है। नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन दिया है, उकबा में महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों को मुख्यालय छोड़ना पड़ता है, जिससे कई लोगों की पढ़ाई भी छूट जाती है। समय समय पर ऐसी मांग उन्होंने उठाई है, लेकिन आज तक जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया है। हमारे बोधबिहार के पास में 3 साल से अंग्रेजी शराब दुकान संचालित हो रही है। हमने कई बार शासन प्रशासन को भी जानकारी दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग अक्टूबर में फिर से धरना चालू करे थे, हमारा कुछ हो नहीं पाया था इसलिए फिर से, और उन्हें 15-20 मतलब बोले कि हट जाएगी। तो उसके बाद हम लोग फिर से अभी एक मार्च से फिर से हम लोग धरना में बैठे। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये समस्या का निवारण, शराब दुकान अगर, और हमारी ये अगर ये मांग, हमको 30 तारीख का आश्वासन दिया है, हमको 31 तारीख तक के हमको ये दुकान मतलब 1 तारीख को जब तक हटेगी नहीं, हम फिर उसके बाद में उग्र आंदोलन करना शुरू कर देंगे। इसकी शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। करके नायब तहसीलदार और सचिव और चौकी प्रभारी मैडम थी और गाँव के लोग थे। आप लोग ये जो ऊपर में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान है, ये रहवासी क्षेत्र बौद्ध विहार स्थल के काफ़ी करीब है, जिसमें रात्रि में महिलाओं का आना जाना यहाँ से दुभर हो जाता है। यहाँ से काफ़ी स्कूल की छात्राएं भी आना जाना करती है। एक दो बार यहाँ पर छेड़खानी की भी घटना हो चुकी है। शासन प्रशासन को हमने काफ़ी बार अवगत कराया इस मैटर से, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इसके पूर्व हमने 13 दिन का धरना दिया था, 13 दिन के धरने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हम 1/3/2020 से हम यहाँ पर आज दिनांक तक बैठे हुए हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमें एमटी साहब से आश्वासन मिला है कि 1 अप्रैल से ये दुकान यहाँ से अलग कर दी जाएगी। अब उनके आश्वासन पर हम आज मतलब विश्वास करते हुए आज हम अपना धरना समाप्त करते हैं।